लाहौर आर्ट्स काउंसिल 10 दिसंबर 1949 को कायम होने वाले मुआशरे का जानशीन है। ये आर्ट्स काउंसिल तमाम कम्युनिटीज़ में फ़नून और सकाफ़ती सरगर्मियों की हिमायत करती है। पेशा वराना डांस कंपनियों से लेकर आर्ट गैलरियों, मुकामी अजायब घरों और मौसीकी तक पाकिस्तानी लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। लाहौर आर्ट काउंसिल के 3 कैंपस पंजाब भर के फनकारों को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं और ये माल कैंपस है जो माल रोड पर वाक़े है। इस आर्ट्स काउंसिल में अलहमरा परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी भी है जिसमें 14 किस्म के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जहां पर कथक डांस, वोकल, गिटार, सितार, बांसुरी, सारंगी, हारमोनियम, तबला और ड्रामा एक्टिंग सिखाई जाती है। इस एकेडमी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर हर उम्र के लोग अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। इस एकेडमी में हर कोर्स के लिए मुख्तलिफ उस्ताद और क्लासरूम्स हैं, जहां रोज़ाना शाम 3 से 5 बजे तक तलबा को तरबियत दी जाती है। और यही नहीं, इस बिल्डिंग में लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए कल्चरल परफॉर्मेंस का 14 रोज़ा इवेंट किया जाता है जिसमें तरबियत याफ्ता तलबा अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल की दूसरी ब्रांच अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स है जो कजाफी स्टेडियम में मौजूद है। इस बिल्डिंग में भी ड्रामा, वोकल, ड्राइंग और वायलिन की क्लासेस दी जाती हैं। बिल्डिंग में 2 हॉल और म्यूज़िक कंसर्ट के लिए ओपन एयर थिएटर है जिसमें 6,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। हॉल नंबर 1 में 348 नशिस्तें हैं जबकि हॉल नंबर 2 में 150 सीट्स हैं। यहाँ पर भी लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जानब से पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए 14 रोज़ा पंजाब नाटक मुकाबला जैसे शोज किए जाते हैं जिसमें तलबा और दीगर फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। पटन पटन